जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आगामी भी जो भर्तियां हैं उसके बारे में एक ही के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, तो इसी के बारे में हम आज जो वैकेंसी लेकर गए हैं उसका नाम है LDC। LDC की वेज की जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 2018 के बाद में अभी 2022 में आई है, 4 साल हो गए और जब तक इसको ज्वाइनिंग मिलेगी पूरे 5 साल हो चुके होंगे। 5 साल के बाद में उससे पहले कब आई थी, 2013 में, उससे पहले कब आई थी, 2011 में आई थी। तो ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान सरकार के कम से कम 84 विभाग की वैकेंसी है, 84 विभागों की वैकेंसी है। इन विभागों में आपको LDC की नियुक्ति मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सारे क्राइटेरिया पूरे कर लेते हैं, तो आप सारे एग्जाम पास कर लेते हैं, तो ठीक है। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं कि ये जो आगामी भर्ती ये कम से कम संभावित है कि 14,000 वैकेंसी आने वाली है और ये सिर्फ 12th पास बच्चों के लिए है। तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि 12th पास करके आपके हाथ में क्या होगी, सरकारी नौकरी होगी, ठीक है ना। तो सरकारी नौकरी क्यों होगी और किन किन बच्चों के लिए ये गोल्डन है चांस है, किन किन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि ये सब सुनहरा अवसर अगले 5 साल तक नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है ये भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहिए, एंड तक पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो LDC की जो वैकेंसी है, जो मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था, ये बोला था कि जो एयरफोर्स और नेवी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जिनकी उम्र क्या है 2003 से पहले की है, जो एयरफोर्स और नेवी में अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप CGSF के जाना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छा मौका कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास समय बहुत कम है या परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, ठीक है। घर वालों की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपको अपने सपनों को और अपने घर वालों के सपनों को जल्द से जल्द साकार करना है। तो ये जो LDC वैकेंसी है ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। कैसे अवसर है, जैसे कि एयरफोर्स में क्या होता है, एयरफोर्स नेवी में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साइंस मैथ वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका जो क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर कौन कौन से, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका 50 क्वेश्चन तो आएंगे आपके साइंस के, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ के और 85 क्वेश्चन आपके आएंगे राजस्थान जीके के, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के और 75 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। इन दोनों पेपर जो होंगे वो दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे और दोनों पेपरों को SC ST को तो लाने हैं 35% मार्क्स, ठीक है। लेकिन OBC और जनरल वालों को लेकर के आने हैं 40% मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि साइंस मैथ वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, साइंस मैथ वालों के लिए ऑप्शन इसलिए अच्छा है कि इसमें जो मैथ का सिलेबस है वो 30% तो होता है आपका अर्थमेटिक का, लेकिन 70% क्या होता है, एडवांस मैथ होता है और वैदिक मैथ्स होता है, ठीक है। तो हम जो बैच चला रहे हैं उसमें क्या है, अर्थमेटिक के जो है वो स्पेशल टीचर अलग से हैं और आपके एडवांस मैथ के हैं वो अलग से टीचर हैं और आपके वैदिक मैथ्स हैं उनके अलग से टीचर हैं, ठीक है। तो जो साइंस मैथ्स वाले बच्चे क्या होते हैं कि इनमें से अगर अपन ढंग से तैयारी करें, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी जो मंथ चल रहा है वो मार्च चल रहा है, मार्च में अपन स्टार्ट करते हैं और दिसंबर में इसका एग्जाम है, दिसंबर के एग्जाम तक अपन 3 से 4 बार इसका सिलेबस कर सकते हैं। तो अपना जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 50 में से 40 क्वेश्चन करने का। तो 40 क्वेश्चन साइंस मैथ्स वाले आराम से कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। और साइंस के जो पोर्शन होगा उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, तो साइंस के जो 50 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ी लिखी है साइंस मैथ वालों ने, आपको पढ़ना है क्या है, बायोलॉजी पर कवर करना है। तो अपन टारगेट लेकर के चलते हैं कितने क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन का, 40 किसमें कवर कर लिए आपने, मैथ में कवर कर लिए और 40 किसमें कवर कर लिए आपने, साइंस में कवर कर लिए। लेकिन अपना जो बेस रहता है, मतलब जो राजस्थान जीके का जो बेस रहता है वो बिल्कुल 0 होता है, राजस्थान जीके अपने को बिल्कुल भी नहीं आती है। जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट उनके बारे में बता रहा हूँ कि राजस्थान जीके आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उसका अपन टारगेट ज्यादा न लेते हुए अगर अपन नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो अपन 50 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले पेपर में अपना टारगेट क्या है, 150 में से 100 क्वेश्चनों का टारगेट रहता है। लेकिन जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल रहता है वो बिल्कुल 0 लेवल रहता है, मतलब लो लेवल रहता है, ठीक है। अगर उसकी अपन ने 2 से 3 बार कोर्स कर लिया, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो अपन उसमें से 75 में से 60 क्वेश्चन, 75 में से 60 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। दोनों को मिला करके इसमें अपन जो परसेंटेज रहेगा वो 70+ रहेगा। अगर अपना टारगेट ये लेके चले कि अपने को किसी भी हाल में 70% क्रॉस करना है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट बिल्कुल भी ज्यादा जोर नहीं आएगा। बस क्या है, आपको एक उचित मार्गदर्शन और एक टाइम टू टाइम प्रैक्टिस और आपको टाइम टू टाइम स्टडी का शेड्यूल फिक्स करना है। ये कैसे करना है, ये पूरी प्लानिंग
पूरा जो शेड्यूल रहेगा वो हमारे साथ में रहेगा आपका, ठीक है। हमने जो बैच चलाया है उसको बिल्कुल स्पेशली साइंस मैथ्स वाले बच्चों के लिए अलग से, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए अलग से, और बायोलॉजी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से। क्यों अलग से क्यों है? क्योंकि इसमें मैथ की जो एक्स्ट्रा क्लास है, जैसे कि बायोलॉजी वाले और आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले क्या होते हैं, थोड़े मैथ में वीक होते हैं, उनके लिए हम अलग से मैथ की एक्स्ट्रा क्लास प्लस डाउट सेशन बिल्कुल अलग से। पर्सनली जो टीचर रहेंगे हमारे, वो पर्सनली बैठ करके एक एक चीजें समझाएंगे आपको, तो मैथ का जो पूरा पोर्शन रहेगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा। हमारा जो टारगेट रहेगा वो जो एयरफोर्स जो साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या रहेगा, हाई रेंज तक लेके जाने का। लेकिन जो आर्ट्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको क्या रहेगा कि उनके लेवल तक लेके आने का। इसलिए मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आपकी, प्लस इस बैच के अंदर हमारा टाइमिंग जो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक रहेगा, ठीक है। उसमें आपको 1 घंटा रेस्ट मिलेगा, ठीक है, और डेली आपके टेस्ट होंगे। और 5 सब्जेक्ट है इसमें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और राजस्थान जीके। इसमें ये वादा करता हूं कि हर सब्जेक्ट में आप कम से कम 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि जब तक इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आपका सिलेक्शन निश्चित नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, ठीक है, तो वो नेगेटिव मार्किंग से अपन मार्क्स कैसे कवर करेंगे उसके बारे में भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जितनी, तो हर टॉपिक होने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि वो टॉपिक आपका कितना क्लियर है। एक बार सिलेबस करवाने के बाद में, दूसरी बार करवाने के बाद में, तीसरी बार करवाने के बाद में हमारा टारगेट ये रहेगा आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना। पेपर पास होने के बाद में जो टाइपिंग का जो रहेगा और स्किल्स का जो रहेगा वो भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, यानी कि शुरू से लेकर के आखिर तक हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो साइंस मैथ वाले, साइंस बायो वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। होली के बाद में, यानी कि होली के बाद में 21 मार्च से बिल्कुल आपका नया बैच शुरू होगा। इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा सहयोग की हम कामना करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप ये बैच ज्वाइन करो तो आप ये निश्चित करके आना कि मेरे को इस साल इसी भर्ती में लगना है, वरना मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये डेडिकेशन लेकर के आप हमारे साथ में जुड़ना और देखना आप और हम मिलकर के क्या कमाल करते हैं, ठीक है। और आगे की जो जानकारी चाहिए वो नीचे लिखे नंबर है आपके, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं बैच कब से स्टार्ट होगा, बैच की फीस वगैरह क्या रहेगी। और दूसरी बात ये बता दूं, आपको ये बताना मैं भूल गया कि आपकी जो फीस लगेगी वो 1 लगेगी, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और उसी फीस में आपको पढ़ाएंगे। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, डेली टेस्ट है, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस अलग से होगी। ये सारा सिस्टम हमारा रहेगा, और टीम मैनेजमेंट है, पूरी फैकल्टी है, वो एक से बढ़कर एक फैकल्टी रहेगी। एक भी फैकल्टी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि सर ये फैकल्टी अच्छी नहीं है, इसे चेंज करो, क्योंकि आप जब आओगे तो पूरा एक मानस बना करके आओगे कि हमें सिलेक्शन लेना है। और जो टीचर जो पढ़ाएंगे उनका भी एक ही टारगेट है कि इस बैच में से हम ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दें। तो ये जो बैच है ये बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। अभी जो हमने बैच स्टार्ट किया है उसमें ऑलमोस्ट बच्चे फुल हो चुके हैं, तो हम ये बैच जो है वो दूसरा बैच स्टार्ट करने वाले हैं होली के तुरंत बाद में 21 मार्च से। तो हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत।